सभी अचल दीदी के में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ वापस आपको टेक न्यूज देने। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि ये जो चीज़ें चल रही है, इससे टेक का इंडस्ट्री जो है और सारी इंडस्ट्री, इनफैक्ट टेक की सारी इंडस्ट्रीज अभी ठप बैठी है और आई डोंट नो कब तक ये ठीक होगा। लेकिन आपको पता है हमारा सीक्रेट तड़का होता है, वो हम लगा के आपको टेक न्यूज़ देते हैं जिससे गर्मा गर्म टेक न्यूज़ बन जाती है। और अभी बहुत बातें कर ली, अब फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आप आए हो तो सबसे पहले आपका ग्रैंड वेलकम मैं करता हूँ। एक चीज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे ही मैं ये तड़के वाले वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन और एयरटेल और वोडाफोन। जी हाँ, एयरटेल की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप मेरी रेगुलर टेक न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जियो ने एक नया जो एक चीज़ हो जो वो मतलब लाया है, जो कि यह कि आपको पता है ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसकी वजह से आप एटीएम में जाके अगर आपके पास जियो का सिम होगा तो आप अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकते हो। जी हाँ, वैसे ही अब एयरटेल और वोडाफोन ने कर दिया है। वोडाफोन ने तो भर भर के बैंक्स के साथ में पार्टनरशिप किया है, बट एयरटेल ने सिर्फ दो ही बैंक के साथ किया है, SBI और HDFC। जी हाँ, अगर आप एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ करते हो तो ये दो ही बैंक्स हैं जिसमें आपका एयरटेल काम करेगा। और ये वोडाफोन और जियो तो भर भर के बैंक्स बहुत सारी बैंक्स के साथ पार्टनरशिप किया है तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बट सिर्फ एयरटेल का है जो दो के साथ ही पार्टनरशिप किया है। अगर आप जाइए फटाफट से अगर आपके पास है एयरटेल वोडाफोन या फिर जियो का कोई सिम कार्ड, रिचार्ज करिए और घर आ जाइए। चलिए दोस्तों, आज तक अगले खबर की ओर वो आ रही है पर एप्पल की तरफ से। दोस्तों मैंने एप्पल वॉचेस को ना जान बचाओ वॉचेस नाम दिया था। जी हाँ, आपको तो पता ही है वो हर एक इंसान की जान बचाता है, वो बता देता है कि भाई आपका हार्ट बीट लो हो रहा है, जल्दी डॉक्टर के पास भागो, तो वही होता है मतलब बचा लेता है जान एप्पल वॉच लोगों की। बट महंगे होते ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन जान भी बचाते ही है। अब ऐसा ही आईफोन के साथ हुआ, आईफोन ने किसी की जान नहीं बचाई, यह अतरंगी आईफोन था। एक लेडी थी लंदन में, कुछ बत्तखों को खाना खिला रही थी, जो डक्स होते हैं उनको खाना खिला रही थी और उन वो सेल्फी भी खींच रही थी साथ में, वो जो डक्स होते हैं उनके साथ। लेकिन वो सेल्फी खींचते खींचते वो पानी के सामने पानी में अपना फ़ोन गिरा दिया। जी हाँ, वो बाद में अंदर भी गई, ढूंढा, नहीं मिला कहीं पे, एक्चुअली वो लेक था बट नहीं मिला तो वो वापस चले गए। बाद में 3 महीने बाद वो अपने हस्बैंड के साथ जब आए तब उन्होंने कहा कि भाई अभी नीचे फ़ोन गया था तो क्या आप ढूंढ के निकालोगे, ऐसा बोला। तो गए उनके हस्बैंड नीचे और निकाला फ़ोन, और वो भी वर्किंग जैसे पहले चल रहा था। अब इसको मैं अतरंगी आईफोन ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, मतलब अंदर पानी के अंदर 3 महीने तक रहने के बाद कोई स्मार्टफोन जी सकता है? इंसान भी नहीं जी सकता ऑब्वियसली, भाई पानी के अंदर है। और आईफोन जी गया, आईफोन 8 था वो, और जो कि एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा था। अतरंगी आईफोन, आईफोन्स और जान बचाओ वॉचेस एप्पल की। जी हाँ, चलिए दोस्तों आज कहते हैं अगले खबर की ओर। आ रही यहाँ पर एप्पल की तरफ से ही आईफोन 12 जो सीरीज़ होगी दोस्तों, वो बताया जा रहा है कि उसमें क्वाड कैमरा सेटअप होगा और एक जो लेंस होगा वो होगा लीडार लेंस। बेसिकली ये क्या होता है, अगर आपको घर का या फिर किसी भी चीज़ का कोई नक्शा दूर 3D में देखना है तो आप देख सकते हो, मतलब अगर आप अपने घर को स्कैन करते हो और पूरा देखना चाहते हो 3D में तो लीडार लेंस की वजह से आप कर सकते हो। जी हाँ, लीडार सेंसर काफ़ी अच्छा है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड तो जी हाँ, लीडार सेंसर भी बहुत अच्छा है, जो कि आप अपना कोई भी, अगर आपको कोई भी चीज़ या फिर कोई भी घर या फिर कोई भी जगह कुछ भी पकड़ लो, अगर आप वो स्मार्टफोन से स्कैन करते हो तो आप उसको 3D में देख सकते हो, ये लीडार लेंस की वजह से आप कर सकते हो। ये बढ़िया बात है। अब देखते हैं एप्पल आईफोन 12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कब आएंगे। और ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो लॉकडाउन वगैरह, जो ये जो वायरस वगैरह फैला है उसकी वजह से काफ़ी डीले हो सकता है, लेकिन देखते हैं वो कितने महंगे होते हैं और कितने घर हमें बेचने पड़ते हैं।
और आपको क्या लगता है आईफोन 12 के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का अगला खबर की ओर आ रही है पर इन्फिनिक्स की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इन्फिनिक्स नोट 7 नहीं कहा था एक्चुअली, मैंने बनाई नहीं थी टेक्निक्स, ओके सॉरी, तो एक्चुअली बनाई थी बट दे नहीं पाया, तो ठीक है सुन लो अभी। इन्फिनिक्स नोट 7 आज यूरोप में लॉन्च हो चुका है। आई डोंट नो कैसे, उधर भी वही सब माहौल चल रहा है, आई डोंट नो कैसे लॉन्च हुआ, ऑनलाइन कुछ तो हुआ होगा, प्राइसिंग नहीं आई बट फ़ोन लॉन्च हो गया, ये अजीब नहीं है। दो फ़ोन हुए, इन्फिनिक्स नोट 7 और इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। जी हाँ, इन्फिनिक्स नोट 7 उसमें आपको 7 इंचेस की HD प्लस की पंच होल डिस्प्ले मिलती है और साथ में कुछ गोरिल्ला ग्लास वगैरह भी है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड बड़ी बात यह है कि प्रोसेसर, जी हाँ मैं हर बार इन्फिनिक्स को टोकता हूँ कि भैया प्रोसेसर अच्छा लाओ, बाकी तो सब आप अच्छा ही करते हो, और प्राइसिंग तो ऑब्वियसली इन्फिनिक्स एग्रेसिव ही रखता है। तो इसी से रिगार्डिंग मैं आपको पूछता हूँ, आप कमेंट करके बताइए, अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है काफ़ी कम प्राइस पे, तो क्या आप इस फ़ोन को लेना पसंद करोगे? और बाय द वे इसमें आता है आपको मीडियाटेक का हीवियो G70 जो कि अभी रियलमी C3 वगैरह के फ़ोन्स में आया था। तो बताना ज़रूर कमेंट्स में, क्या आप लेना पसंद करोगे अगर आपको मिले इन्फिनिक्स नोट 7 यहाँ पर कुछ 7,500 तक, तो क्या आप रियलमी को छोड़ के इन्फिनिक्स लोगे? कमेंट में बताओ। और वैसे ट्रस्टेबल ब्रांड है, बट इतना नहीं है, काफ़ी पहले आया है, तो आई डोंट थिंक, आप बताओ, मैं तो नहीं लूँगा बट आप बताओ। और इसके नोट 7 लाइट जो है वो मैं कहूँगा टोटली इग्नोर इट, क्योंकि सेम स्पेक्स है, थोड़ी डिस्प्ले आपको छोटी मिलेगी 6.5 समथिंग इंचेस का, लेकिन जो प्रोसेसर है इन्फिनिक्स वापस चिपक गया हीलियो P22 पे, टोटली इग्नोर। जी हाँ, नोट 7 अच्छा आता है तो लीजिए, नोट 7 लाइट को तो लात मार, आई मीन इग्नोर ही कीजिए। चलिए दोस्तों, आज तक अगले खबर की ओर आनी है पर वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो V19, जी हाँ ये भी आज लॉन्च हो चुका है ग्लोबली, इसकी प्राइस अभी तक नहीं आई बट काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 712, पता नहीं वीवो को क्या सूझता है 2020 में 712 देता है, और रियलमी वगैरह 720G 30G गेमिंग फ़ोन्स लाते हैं, वीवो अपने आप ही चलते हैं, बट वीवो के भी काफ़ी फैंस हैं। वीवो क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, ऑफलाइन मार्केट के लिए वो सबको टारगेट करता है। जी हाँ, ऑनलाइन इतना नहीं चलता उसका फ़ोन्स, उनके फ़ोन्स, बट ऑफलाइन में बहुत डिमांड है ओप्पो वीवो वगैरह के। आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे, शाओमी रियलमी खड़े हैं तो ओप्पो वीवो कैसे कोई लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन लेते हो तो शाओमी रियलमी, अदरवाइज ओप्पो वीवो ही सब लेते हैं। ये आप किसी ऑफलाइन रिटेलर से भी पूछ सकते हो, और तो पूछ ही सकते हो। और भाई साहब ये लॉन्च हो चुका है, काफ़ी अच्छा है, सेम है पर डुअल पंचोल स्क्रीन है, बाद में ग्लास बॉडी है, 64 मेगापिक्सल सॉरी, और काफ़ी अच्छी फ़ोन है, बट अब देखते हैं प्राइस क्या रखता है वीवो, उसके ऊपर से ही मैं आपको बता सकूँ। चलिए दोस्तों, आज के अगले खबर की, अब जाके नोकिया उठा और उन्होंने कहा कि भाई हमारे फ़ोन्स पे भी GST आ गया, ये मतलब अभी उनके फ़ोन्स पहले से महंगे थे, अभी और महंगे हो गए, पता नहीं नोकिया क्या करता है, कौन से ज़िंदगी में जीता है। जी हाँ, बट नोकिया के भी सेम वैसा ही है, ऑफलाइन के लिए वो सब वो चाहते हैं, ऑनलाइन तो आई डोंट थिंक, ऑनलाइन आएंगे कैसे, राजा किंग्स बैठे ऑनलाइन पे, एक तरफ रियलमी एक तरफ शाओमी, और नोकिया अगर आप अभी फ़ोन परचेस करना चाहते थे तो अब थोड़े बढ़ गए प्राइस, आपको थोड़े ज़्यादा पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज का अगला खबर की और आनी आप पर आईकू की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी पहले के टेक्निक में कहा था कि आईकू नियो 3 ये फ़ोन आएगा, अब इसके सारे स्पेक्स जो है वो लिस्ट हो चुके हैं। इसमें आपको मिलने वाला है IPS डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का पंच होल वाला, साथ में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और भी बहुत कुछ, स्नैपड्रैगन 865 5G फ़ोन है ऑब्वियसली, और ये ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना में जाएगा रेडमी K30 Pro को टक्कर देने। ओके, तो देखते हैं, और ऐसा ही बताया जा रहा है कि 30,000 के करीब ही होगा ये फ़ोन, अब देखते हैं जब आएगा तब देखेंगे, इंडिया में तो इन दोनों के भी नामों निशान है ही नहीं। और वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप एक्साइटेड है आईकू नियो 3 के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
चलिए दोस्तों आज के अगले खबर की ओर आनी आप पर वन प्लस की तरफ से। दोस्तों आपको तो पता ही है और ये न्यूज ना तब तक नहीं रुकेगी जब तक वन प्लस की न्यूज की बात कर रहा हूँ, जब तक वन प्लस 8 सीरीज लॉन्च ना हो, बाद में तो न्यूज उसकी ठप हो जाएगी ऑब्वियसली। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जो वन प्लस 8 सीरीज के साथ जो ईयरफोन्स आने वाले थे वायरलेस वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड, वो बताया जा रहा है कि वो आप चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे जो वन प्लस की होती है, आपको पता है वो उनका ब्रिक आता है। और साथ में दोस्तों अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हो इस ईयरफोन को तो आप 10 घंटे तक गाने सुन सकते हो। 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट तक चार्ज करने से 10 घंटे तक गाने। वन प्लस पता नहीं क्या उसने घुसेड़ने वाला है, अब देखते हैं। ये तो जब आएगा उस तभी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल का जो ईयरफोन्स रहता है एयरपॉड्स रहता है उनसे इनकी लेटेंसी कम होगी, कुछ 110 वगैरह होने वाली है, तो अब देखते हैं, दूर नहीं है, 14 अप्रैल को ये आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज अगले खबर की ओर आ रही है आप पर रियलमी की तरफ से। जी हाँ, काफ़ी दिनों से ठप था रियलमी लेकिन अब उसकी न्यूज़ आ गई है। रियलमी टीवी या फिर रियल टीवी उसका नाम होने वाला है, रियल टीवी जो है दोस्तों इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है और इसका 43 इंच स्क्रीन वाला मॉडल जो है वो लिस्ट हो चुका है। जी हाँ, तो अब एक वेरिएंट हमें कंफर्म हो गया कि 43 इंच तो हो गई होगा, अब देखते हैं ये कब आएगा। मुझे तो लग रहा है अगर ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए तो मई में रियलमी इसको एक फ़ोन के साथ में लॉन्च कर देगा, अब देखते हैं कब आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। बट आपको क्या लगता है रियलमी नहीं रियल टीवी के बारे में, रियल वॉच के बारे में, नार्जो सीरीज के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों आज के अलग अलग खबर की ओर आनी आप पर, अगर आप इंडिया में मी टीवीज यूज़ करते हो तो जाइए फटाफट से सेटिंग्स में, पैच वॉल 3.0 का अपडेट आ चुका है, अराइव हो चुका है। अगर आप इंडिया में शाओमी के टीवी यूज़ करते हो तो कोई भी तो वो जाइए और अपना फोन आई मीन टीवी अपडेट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज का अगला खबर की ओर आनी आप पर रेडमी की तरफ से। आपको तो पता ही है मनमोहन जी मतलब सी मनमोहन पोको के इंडिया के ऑफिशियल CEO, उन्होंने लाइव आए थे, उन्होंने कह दिया कि भाई आप क्यों इतना बोल रहे हो भाई पोको F2 रेडमी के 30 प्रो बन के आएगा, हमने तो बोला ही था 865 हम नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगा है तो वो तो नहीं आएगा। बट ऐसा पता है जर कि रेडमी के 30 प्रो रेडमी के 30 प्रो बन के ही इंडिया में आएगा और पोको F2 कोई अलग ही फ़ोन होगा। तो अब देखते हैं ये पोको F2 का सिलसिला कब ख़त्म होता है। वैसे आपको क्या लगता है आप मुझे इसके बारे में कमेंट करो, ज़रूर करो और बताओ क्या लगता है आपको। जी हाँ, क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला इमोट जो आप यूज़ करते हो या फिर इमोटिकॉन जो आप लगाते हो वीडियो के कमेंट में कहीं पे भी व्हाट्सएप पे ज़्यादा लगते हैं, तो वो कभी आया था, पूरा वर्ल्ड का सबसे पहला इमोटिकॉन कभी आया था और उसको किसने इन्वेंट किया था, उनका नाम है, ये आया था 1979 के अंदर और उनका नाम है केविन मैकेंजी। जी हाँ, इन्होंने इस इमोटिकॉन को इन्वेंट किया था, उन्होंने एक छोटा सा डैश किया था और वो क्लोज ब्रैकेट कर दिया था और वो कुछ स्माइली फेस के नाम से जाना जाता था और वो ऐसे दिखता नहीं था बट उनको उसको मान लिया और वो था वर्ल्ड का सबसे पहला इमोटिकॉन 1979 केविन मैकेंजी। तो आज की टेक न्यूज़ आपकी खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही गर्मा गर्म तड़केदार टेक न्यूज़ लाता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए के साथ, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज स्टे होम, कितनी बार बोलूँ बट घर पे रहो और बस मेरे वीडियोज़ देखते रहो। बाय।